हेलो भाई, मैं हूँ अरमान और आज फिर अपने चैनल पर एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, ये है टाटा की टाटा पंच का एक्म्प्लिश डीजल पैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मल एक्म्प्लिश वेरियंट से टोटल मेनली तीन डिफरेंस हैं। पहला तो आप अलॉय व्हील देख रहे हैं, दूसरा इसके ट्रेड लैंप, तीसरा इसमें डीआरएस आ जाएंगे। अब इसकी फ्रंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले की से टाटा की सभी कार्स में आपको चाहे उनकी आप सबसे महंगी कार ले लो सफारी, उसमें भी आपको एक ही मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक, इसको प्रेस करेंगे तो बूट अनलॉक होगा और इसको प्रेस करेंगे तो आपकी कार के हेडलैम्प और डीआरएल ऑन हो जाएंगे। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं जिसमें आपको एलईडी वगैरह नहीं मिलती, सिंपल हैलोजन मिलता है, ऊपर आपको डीआरएल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है एंड टू एंड, नीचे आपको होल लैंप मिल जाते हैं। साइड से बात करते हैं, इसके अंदर आपको फोर स्पोक वेल बहुत ही अट्रैक्टिव अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसके टायर साइज़ की बात करें तो 16 इंच अलॉय व्हील मिल जाते हैं इसके अंदर। साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको जो ओआरवीएम को बॉडी कलर मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर आपको ओआरवीएम पे ही मिल जाता है। साइड में आपको पैसेंजर साइड तो कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिलता नहीं है, ड्राइवर साइड मिलता है। रियर से बात करें तो इसके अंदर आपके एलईडी टेल लैंप्स आ जाते हैं। पीछे आपको पंच की बैजिंग, इसमें आपको रियर स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं मिलता है, रियर वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलते, ना ही शार्फिन एंटीना मिलता। पीछे यहाँ पे आपको पंच की बैजिंग मिल जाती है, रियर कैमरा और बूट को एक बार ओपन कर लेते हैं। बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा है, कितने बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे शो ही हो रहा होगा। और स्पेयर टायर की बात करें तो नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है इसको बंद करने के लिए। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर से। एक्सटीरियर में तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। इंटीरियर में आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिससे कार लॉक अनलॉक हो जाएगी। और अंदर आते ही सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी सीट है, सीट की बात करें तो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। और डोर से बात करें तो डोर में आपको ओआरवीएम्स को फोल्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए, और ये चारों पावर विंडो कंट्रोल, और इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसमें आपको फुल्ली एनालॉग MID मिलती है, बीच में छोटी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, मतलब छोटी MID मिल जाती है। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे मीडिया से जुड़े हुए कंट्रोल, और यहाँ पे आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल हैं, इस साइड आपके वाइपर के कंट्रोल हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे आपको गोल्ड फिनिश की, आपको यहाँ पे AC वेंट्स पे फिनिशिंग मिलेगी। नीचे आपको यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये आपको वाइट फिनिश के साथ मिल जाता है डैशबोर्ड, और ऊपर ब्लैक जो कि सॉफ्ट नहीं है। इसके अंदर आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह को सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसका ग्लो बॉक्स मिल जाता है डिसेंट स्टोरेज के साथ, और इसकी सीट्स हैं आपको फैब्रिक मिलती हैं। और इसका IR मिरर की बात करें तो आपको डे नाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर, वहाँ पे आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है विदाउट वैनिटी लाइट। इसके अंदर आपको दो मोड मिलते हैं, इकोनॉमी ड्राइव मोड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इकोनॉमी मोड और सिटी ड्राइव मोड, आपको ये दो मोड मिलते हैं इस कार के अंदर। तो ये तो होगी फ्रंट से बात। इस वीडियो में मैं आपको प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स दूंगा इस कार के बारे में, किस प्राइस रेंज में आप इस कार को अपना बना सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके बैक में, बैक में कितना कुछ स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। रियर डोर से शुरुआत कर लेते हैं। रियर डोर में आपको बोतल होल्डर और पावर विंडो कंट्रोल मिल जाता है। रियर में भी आपको आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ना ही फ्रंट में इसके अंदर आर्म रेस्ट मिलता है, और ऐसा कुछ फ्रंट डैशबोर्ड का लुक आता है इसका रियर से, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इसका।
यही कारण है इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। रियर में आपके तीन बंदे इजीली बैठ सकते हैं, मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी है, उसके बावजूद भी मेरे पास अच्छा खासा नी स्पेस मिल जाता है मेरे को। तो रियर के जो हेडरेस्ट वो भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते, वो फिक्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स की। इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, डीजल वगैरह कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो 7,85,000 इसका एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस आप अपने डीलर वगैरह से बात कर सकते हैं, क्योंकि हर शहर में स्टेट के हिसाब से इसका प्राइस अलग अलग होता रहता है। मैंने आपको एक्सोरूम प्राइस बता दिया है। कार को लेने में तो कोई बुराई नहीं, इस प्राइस रेंज में आपको 5-star रेटेड कार मिलती है, जो कि आपकी XUV300 से भी ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको 450 के अंदर। और लुक्स आप एक बार मैं आपको और अनुभव देता हूँ, लुक्स हर तरफ से इस कार के बहुत ही बढ़िया बनाए कंपनी ने। पैसेंजर साइड डोर खोल कर दिखा देता हूँ आपको, लुक्स में कोई कमी नहीं कार के अंदर। तो मेरे हिसाब से किसी को इसको आप हैचबैक भी नहीं कह सकते, उठी हुई साइड SUV लगती है। तो अगर आप इस कार को अपना बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जो खरीद सकते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।